मूर्ख साधु और ठग की कहानी। एक गांव के मंदिर में देव शर्मा नाम का प्रतिष्ठित साधु रहता था। गांव में सभी लोग उसका आदर और सम्मान करते थे। उसे दान में कई तरह के वस्त्र, उपहार और पैसे मिलते थे। उन वस्त्रों को बेचकर साधु ने बहुत धन जमा कर लिया था। साधु हमेशा अपने धन की सुरक्षा के लिए चिंतित रहता था और कभी किसी पर भरोसा नहीं करता था। वह अपने धन को एक पोटली में रखता था और उसे हमेशा अपने पास रखता था। उसी गांव में एक ठग रहता था जिसकी नजर साधु के धन पर थी। अंत में उसने निर्णय लिया कि वो वेश बदलकर साधु को ठगेगा। उसने छात्र का वेश धारण किया और साधु के पास के जाकर बोला कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। साधु तैयार हो गया और वह ठग अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। वह साधु के साथ ही मंदिर में रहने लगा। ठग साधु की भी खूब सेवा करता, साथ ही मंदिर की साफ सफाई व अन्य काम करता था। साधु उस पर बहुत विश्वास करने लगा और ठग अपनी मंजिल के और करीब जाने लगा। एक दिन साधु को पास के गांव में एक अनुष्ठान के लिए आमंत्रित किया गया। साधु अपने शिष्य के साथ निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ी। साधु ने नदी में स्नान करने की इच्छा जाहिर की। उसने अपने धन की पोटली को कंबल में छुपाकर रख दिया और ठग से सामान की रखवाली करने को कहा। ठग तो न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही साधु नदी में डुबकी लगाने गया, वह धन की पोटली लेकर भाग गया। सीख: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी अजनबी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोगों से हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। ऐसी और कहानियां देखने के लिए तुन तुन टीवी को सब्सक्राइब करें।